I gave you my heart. हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन वावा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इस सिद्धांत से संबंधित दो या तीन महत्वपूर्ण प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। इससे पहले की वीडियो में हमने जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अध्ययन किया था। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनकी वीडियो लिंक दी गई हैं, जिन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अब चलते हैं लॉरेंस के नैतिक विकास सिद्धांत पर। लॉरेंस कोलबर्ग का जन्म 25 अक्टूबर 1927 को अमेरिका में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 60 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1987 को हुई थी। जो जीन आपके कोलबर्ग हैं, कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत के तीन स्तर बताए हैं एवं इन तीन स्तरों के 6 सोपान हैं। जो आपके तीन स्तर हैं उनमें पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे हम अंग्रेजी में प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। दूसरी स्टेज होती है आपकी परंपरागत स्तर, जिसे हम कन्वेंशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। तीसरी स्टेज होती है उत्तर परंपरागत स्तर, जिसे हम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पूर्व परंपरागत स्तर प्री कन्वेंशनल स्टेज का। आपकी यह जो हो जो आपकी पूर्व परंपरागत स्तर होता है, यह बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक होता है, यानी 0 से 2 वर्ष की आयु तक होता है। इसके आपके दो उपभाग होते हैं, जिसमें पहला होता है दंड अथवा तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। तो इसमें देखेंगे, इस अवस्था में बालक का व्यवहार बंद के भय पर आधारित होता है और इसी डर से वह अच्छा कार्य करता है। यानी बच्चे को किसी कार्य के प्रति भय होता है। मान लिया कि अगर बच्चा कोई कार्य नहीं कर रहा है और अगर उसे बोल दिया जाए कि अगर तूने यह काम नहीं किया तो तुझ पर मार पड़ेगी या तुझे यह नहीं मिलेगा, तो बच्चा उस कार्य को भय के डर से करने लग जाता है और इसी डर से वह अच्छा व्यवहार करता है। दूसरा, इस प्रकार नैतिक विकास की शुरू की अवस्था में दंड को ही बच्चों की नैतिकता का मुख्य आधार मानते हैं। यानी बच्चे को जब दंड का भय दिखता है तो बच्चा क्या करता है, बच्चा अच्छा कार्य करता है, यानी उसकी नैतिक विकास की जो अवस्था होती है उसकी वह शुरू हो जाती है। सही गलत का निर्णय दिए गए दंड व पुरस्कार से करता है। मान लीजिए अगर किसी बच्चे ने कोई कार्य करा और उस कार्य करने के बाद उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलती, तो इसका तात्पर्य उसने उस कार्य को सही किया। अगर बच्चा कोई कार्य कर रहा था और उस कार्य करने के दौरान उसे कुछ हो जाता है और उसको दंड मिलता है, तो बच्चा समझ लेता है कि यह जो कार्य मैं कर रहा था, यह मेरा कार्य गलत था। तो इससे बच्चे को सही और गलत के निर्णय का पता चल जाता है। पूर्व परंपरागत स्तर की दूसरी जो उपभाग होता है इसका, यह होता है साधनात्मक सापेक्षवादी अभिमुखता, जिसे हम यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता के नाम से भी जानते हैं, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वयं की इच्छा को पूरा करने वाला होता है। यानी बच्चे के जो मन में आ रहा होता है बच्चा सिर्फ उसी को करता है। उसे लगता है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो, अर्थात हम दूसरे की कोई इच्छा पूरी करें तो वह भी हमारी इच्छा पूरी करेगा। मान लीजिए अगर आपने किसी बच्चे से कोई काम करवाना चाह रहे हैं और आप उस बच्चे को कहें कि मैं तुझे एक चॉकलेट दूंगा तो इसे यह कर दे, या फिर हम बच्चे से बोलें कि अगर तू पढ़ाई कर लेगा तो पढ़ाई करने के बाद तुझे 2 चॉकलेट मिलेंगी, या फिर हम जब बच्चा 10th या 12th में होता है तो बच्चे के सामने हम टारगेट रख देते हैं कि अगर तू 10th क्लास में इतनी परसेंट लाएगा तो हम तुझे स्कूटी दिलवा देंगे, लैपटॉप दिलवा देंगे। तो यानी वह बच्चा क्या है कि बिल्कुल बराबरी का लेन देन, यानी
हम भी उसे कुछ दे रहे हैं और उसके बदले वो हमें कुछ न कुछ दे रहा है। आपकी नैतिक विकास की सिद्धांत की जो दूसरी अवस्था होती है वो होती है परंपरागत अवस्था, जिसे हम कन्वेंशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। इसकी जो पहला उपभाग होता है वो होती है प्रशंसा की अवस्था, यानी इसमें जो बच्चा होता है उसकी चाह सिर्फ यही रहती है कि किसी भी प्रकार से मुझे प्रशंसा मिले, सामने वाला जो भी हो मेरी प्रशंसा करे। तो इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह प्रशंसा पाने के लिए करता है, यानी बच्चा कुछ भी कार्य कर रहा है तो उसके मन में यही रहता है कि इसके लिए इसके बदले में मुझे प्रशंसा मिलेगी। इसमें बालक समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करता है जिससे वह प्रशंसा प्राप्त कर सके। वही वाली बात है कि बच्चा समाज में ऐसे ऐसे कार्य करने की प्रयास करेगा, यानी अपने आसपास वह कार्य करने की प्रयास करेगा जिसे देखकर दो चार लोग उससे कहें कि हाँ भाई तू बहुत अच्छा है, यानी उसकी तारीफ करें उसकी प्रशंसा करें। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, दूसरी आपकी परंपरागत अवस्था के अंतर्गत दूसरी जो उपभाग होता है इसका, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, यानी जो समाज के जो रूल्स नियम कानून होते हैं उनके प्रति वह सम्मान करने लग जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल प्रशंसा के लिए महत्व देता है, यानी इस अवस्था में बच्चा तब तक प्रवेश नहीं करता तब तक उस अवस्था को सिर्फ क्या मानता है, केवल प्रशंसा महत्व वाली स्टेज मानता है इसको, यानी पहले बालक समाज को केवल प्रशंसा के लिए महत्व देता है। इस अवस्था में पहुंचकर वह समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक कहते हैं, यानी अगर कोई बच्चा किसी कार्य को जो कि समाज के अहित में या समाज के नियमों के विरुद्ध है, तो अगर वह उस कार्य को करता है और उसको वह समझ जाता है कि यह जो कार्य मैं कर रहा हूं यह समाज के विरुद्ध है, अतः यह एक अनैतिक कार्य है। आपकी नैतिक विकास जो आपका कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है, उसकी तीसरी अवस्था जो होती है उत्तर परंपरागत अवस्था, जिसे हम पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपकी पहली अवस्था होती है सामाजिक समझौते की अवस्था। इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा यह समझने लगता है कि वह समाज के बीच, यानी एक व्यक्ति और वह समाज के बीच एक समझौता होता है, अगर नियमों का पालन नहीं करते तो समझौता टूट जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति मानने लगता है कि हम समाज के नियमों का पालन करें क्योंकि यह हमारे हितों की रक्षा करता है। इस अवस्था में व्यक्ति यह भी मानता है कि समाज की सहमति को सामाजिक नियमों को भी बदला जा सकता है, यानी आपका जब बच्चा सामाजिक समझौती की अवस्था यानी उत्तर परंपरागत स्तर की पहली अवस्था में पहुंचता है तो वह यह मानने लग जाता है कि व्यक्ति और समाज के बीच एक समझौता होता है और इन समझौ ये जो भी समझौते होते हैं अगर हम उन नियमों का पालन करें तो वह समझौता बढ़ता है, अगर हम इन समझौतों के तहत जो नियम होते हैं अगर उनका उल्लंघन करते हैं तो समझौता हमारा टूट जाता है। और इसके साथ साथ वह यह भी मानने लग जाता है कि अगर हम समाज के जो भी नियम कानून हैं अगर हम उनकी रक्षा करेंगे तो समाज जो है वो हमारे हितों की भी रक्षा करेगा। और इस बच्चा इस अवस्था में जाकर यह भी मानने लग जाता है कि अगर हम समाज की सहमति से सामाजिक नियमों को बदलने की संभावना हो जाती है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर आप इस चीज को इस प्रकार से लें कि जो आपका अंतर जाति विवाह होता है तो उसमें बच्चे के अंदर क्या आ जाता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि समाज उसको समाज के विरुद्ध है, लेकिन वो कोशिश क्या करता है कि मैं कोशिश करता हूं इस समाज की मानसिकता को बदलने की, यानी जो है जो नियम है वो ठीक नहीं है और मैं इसको बदलने का प्रयास करूंगा, तो वह अंतर जाति विवाह के पक्ष में कि हाँ नहीं ऐसा होता है, तो इसके माध्यम से वह समाज में उसको बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन वह समाज को साथ लेकर इसको बदलने का प्रयास करेगा। उत्तर परंपरागत स्तर की जो आपकी दूसरी अवस्था होती है जिसे हम सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था भी कहते हैं, यानी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स स्टेज, यानी इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं यूनिवर्सल इंटरेक्शन स्टेज, इसे विवेक की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था तक व्यक्ति अच्छे या बुरे, उचित अनुचित आदि विषयों पर स्वयं के व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं एवं अपने बनाए गए नियमों पर चलता है। इस अवस्था में बालक अपने विवेक का प्रयोग करने
लग जाता है। यानी आपकी जो सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था होती है, इसके अंतर्गत बच्चा जो है वह अपने विवेक पर कार्य करने लग जाता है। वह क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, इसको जानने लग जाता है एवं उस पर अपने खुद के विचार प्रस्तुत करने लग जाता है। और वह इस प्रकार के नियम भी बना लेता है कि उसे समाज में रहकर किन कार्यों को करना है और ऐसे कौन से कार्य हैं जो उसके लिए ठीक नहीं है, यानी वह समाज के विरुद्ध हैं। यानी वह अपने बनाए हुए नियमों पर भी चलने लग जाता है। और इस अवस्था में आपका बच्चा अपने विवेक का प्रयोग करने लगता है। आपके जो कोलबर्क का नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसमें कुछ उदाहरण से आप समझने की प्रयास करना, मैं बताता हूं आपको कि जैसे कि एक स्थिति ऐसी आती है कि कोई किसी बच्चे की माँ बीमार है और उसमें वह क्या करता है कि वह जाता है ताला तोड़कर और दवा ले आता है। यानी वह क्या सोच रहा है, तो यह जो आपकी अवस्था होती है यह आपके कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार यह आत्म केंद्रित निर्णय यानी इको एनर्जेटिक जजमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वह क्या करता है, यानी वह बच्चा इस चीज को बुरा नहीं मानता कि अगर मैं किसी मेडिकल स्टोर या किसी में से जहां, क्योंकि उसकी उसे उस समय किसकी फिक्र है कि मेरी माँ की जान बच सकती है अगर मैं इस वाली दवाई को घर पर ले गया, तो यानी उसके खिलाफ, यानी वह समझता है कि यह जो मैं करने जा रहा हूं यह समाज के विरुद्ध नहीं है। जबकि इसी में आपका जो सेकंड होता है दंड तथा आज्ञापन की अभिमुखता जो होती है, मान लीजिए किसी भी परिस्थिति में दूसरे की दुकान का ताला नहीं छोड़नी, उसके दिमाग में आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे किसी की दूसरे की दुकान का ताला नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से पुलिस उसे दंड देगी। यानी आपकी जो दूसरी अवस्था है उस दंड एवं पुरस्कार की जो अवस्था है उसमें बच्चा यह सोचता है कि मुझे किसी की दुकान से ताला तोड़कर मुझे दवाई नहीं लेनी चाहिए, अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा उसके साथ, उसे पुलिस पकड़ ले जाएगी, तो वह ऐसा नहीं करता। आगे जो आपकी साधनात्मक सापेक्षवादी अभियुक्ता, इससे संबंधित उदाहरण आपका ऐसा ऐसे है कि इस प्रकार की परिस्थिति में आपका जो बच्चा है वह यह सोचता है कि ताला तोड़कर ले आना चाहिए, यानी ताला तोड़कर वहां से दवाई ले लेनी चाहिए क्योंकि माँ का जीवन मुख्य है। यानी वह उसमें यह फिर भूलने का प्रयास करता है कि पुलिस दंड देगी तो क्या हुआ, लेकिन मेरे लिए तो मेरी माँ का जो जीवन है वह सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी जो परंपरागत स्तर यानी दूसरी जो स्टेज होती है उसमें जो प्रशंसा की अवस्था होती है, इसमें क्या है कि किसी भी परिस्थिति में इसमें किसी दुकान का ताला नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा गलत व्यक्ति ही करते हैं। यानी गुड बॉय और बैड गर्ल वाली स्थिति आ जाती है कि अगर मैं इस कार्य को करूंगा तो यह तो बुरा कार्य होता है और यह कार्य करना समाज के बीच में ठीक नहीं है, तो वह क्या करता है, उसके दिमाग में यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अगर मैं इस प्रकार को करूंगा तो गलत व्यक्ति कहलाऊंगा। इसी की आपकी सेकंड जो होती है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, इसमें क्या करता है बच्चा कि किसी भी परिस्थिति में दूसरे की दुकान पर का ताला नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा करना सामाजिक प्रणाली के विरुद्ध होगा, हमें व्यक्तिगत हानि सहन करनी चाहिए। अब बच्चे के अंदर यह भावना उत्पन्न हो जाती है कि यह जो कार्य कर रहा हूं वह कार्य समाज के विरुद्ध है, मुझे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए और मेरी माँ की तबीयत खराब है, अगर उनकी जान को खतरा है तो यह मेरी व्यक्तिगत हानि है और मुझे समाज के विरुद्ध जाकर ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि मैं अपना व्यक्तिगत लाभ उठाऊं और समाज के विरुद्ध जाऊं। आपकी अगली अवस्था होती है उत्तर परंपरागत में पहली सामाजिक समझौते की अवस्था, इसमें आपका जो व्यक्ति होता है वो क्या सोचने लग जाता है कि सामाजिक नियम एक दूसरे के लाभ के लिए बनाए गए हैं, इसलिए परिस्थिति की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए दुकान का ताला
तोड़कर दवा ले आनी चाहिए। यानी ये सामाजिक समझौते, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ रही है, इमरजेंसी यानी आपातकाल है, अगर उस समय उस व्यक्ति को जरूरत पड़ रही है, तो वह ताला तोड़कर ले दवाई ले सकता है। उस व्यक्ति के दिमाग में यह भी चीज आ रही है कि नहीं, मुझे ताला तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना समाज के प्रणाली के विरुद्ध नहीं होगा, क्योंकि यह तो एक सामाजिक समझौता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत है और वह जरूरत आपातकाल में है, तो वह किसी भी दुकान से या फिर उसे जो भी चीज आपातकाल में चाहिए वह उसको ले सकता है। आपका सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था से संबंधित एक उदाहरण होगा। जब किसी मानव जीवन को बचाना मुख्य है, इसलिए ऐसी संकटकालीन स्थिति में मित्र की दुकान का ताला तोड़ना उचित रहेगा। फिर उसके दिमाग में यह भी आता है, यानी अपने विवेक से यह सोचता है कि कुछ नहीं, यह तो मतलब मेरी माताजी की जीवन पर या जिस जो भी व्यक्ति बीमार है उसके जीवन पर संकट है, तो इसलिए मुझे ताला तोड़ लेना चाहिए। तो वह बच्चा क्या करता है कि उसके दिमाग में आ जाती है कि हाँ, मुझे ताला तोड़ लेना चाहिए, और यह तो मेरे मित्र का है, या फिर वह अपना संबंध निकाल लेता है। यानी उस अब वह अपने विवेक से कार्य करने लग जाता है। फ्रेंड्स, यह था आपका कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ कोलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वन लाइनर या फिर बहुविकल्पी प्रश्न होंगे उनको साथ आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, आप वहां से जाकर हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन बाबा यूट्यूब चैनल। I gave you my heart.